맞아. जी बताए। हाँ जी नमस्कार सर। जी सर मैं ओमकारनाथ कुशवाहा बोल रहा हूँ। जी बताए बता। सर एक ये व्हाट्सएप पे आपका हैंडबिल में एक आपका नंबर दिया हुआ है। जी हाँ कुशवाहा समाज के लिए कुछ के लिए कुछ ऐसा है। जी जी तो सर कुछ वंशज से आप वो रखते हैं क्या? जी मतलब क्या कोई आप कुशवाहा वंशज क्या कुछ का वंशज है क्या? हम लोग तो मानते चले बांधवी से हम लोग मानना जानना दो चीजें हैं सर। मानना तो किसी को मना दो मूर्ख दो ये मानो शंकर जी हैं से पानी निकलता है ये सब कुछ यही दाता है तो मान लेगा। जानना ज्ञानियों का काम है कि वो रियल क्या है। जी सच्चाई यही चाहते ना कुछ इसमें आपके पास सच्चाई हो तो दे सकते हैं सर। मानने वाली एक अलग बात हो गई सर। मानना और जानना दो चीज है सर। इसी के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते जो भ्रम के जाल में हमारा समाज फंसा हुआ है और आप उसमें और उलझाने का काम कर रहे हैं। हैंडविला तो आपसे पूछेगा जरूरी बना। मैंने उलझाने का काम नहीं करा हम लोग तो ये आज से नहीं 92 से हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं। आप 92 से मेरी बात फिर समझाए हमारे 92 छोड़ दो सर। ये बताइए कि हम लोग जब यहाँ गुलामी की हालत में जी रहे थे तब तो कोई भगवान नहीं आया। यानी कुछ वंशज यानी आप ये समझिए कुछ से क्या कोई औलाद बन सकती है? अगर राम से भी पैदा होता तो एक जुड़वा बच्चे पैदा होते तो एक बार बच्चा जब पैदा हो चुका दोबारा जब बच्चा अगर पैदा हुआ है तो सीता से तो नहीं हुआ है। अगर आप कुछ को मानते हैं तो वो उसको वाल्मीकि मेतर को मानिए तो मेतर द्वारा पैदा किया हुआ बच्चा है तो आप किसकी एक संतान यानी इनकी राम की वंशज हो कि आप वाल्मीकि के वंशज हो? ये क्या है जी देखिए बहस का विषय हम लोग तो नहीं समझ रहे इसको। नहीं समझना चाहिए ना तो आप हजारों को मूर्ख बनाने के लिए हैंडबिल में छाप के भेज रहे हो तो आपसे सवाल किससे करेंगे? मूर्ख किसी को नहीं मारा भाई। अरे नहीं सर तो आपसे सवाल करना पड़ेगा ना। आपका हैंडबिल आया है तो आपसे सवाल करना पड़ेगा। आपको तो हम लोग हैंडबिल भेजे नहीं ना तो जबलपुर की हैंडबिल छपा है। अरे वो दुनिया का हैंडबिल हो सर ये हैंडबिल जो आया है इस हैंडबिल में अगर कुशवाहा कुछ का वंशज है तो मान तो की संतान है उसका कोई बाप का नाम भी नहीं है। अब वो आप लोग मेरी मानना ना मानना एक अलग बात है। जो मानने के लिए आप अगर गलत चीज मैसेज दे रहे आप मानते तो घर में रखिए। मेरा मतलब ये है आप अगर मानते हैं तो घर में रखिए। अगर फील्ड में आओगे जूते बजेंगे तुम पे और वो लोग सुनिए नहीं सर गलत बात। हम ये कह रहे थे या तो सवालों के जवाब देते या तो मेरी बात को सुन लीजिए। नहीं नहीं तो आप लोग आयो गरम हो रहे आप सवाल जवाब दीजिए ना। आप किसके वंशज हैं? ऐसी दोगली संतान को सुहा गया क्या? हम क्या बोल रहे हैं हम लोग जबलपुर में ये करते आ रहे हैं तो हम लोग करेंगे कोई चीज को अगर कोई चीज अगर बताई जा रही है उस पर जवाब दो। करने का मतलब क्या हुआ? हम बहन बेटियां ब्राह्मणों को दान करते चले आ रहे थे अब ये संविधान मिला तो अब हमको अधिकार मिल गया तो वही करते रहे क्या? अरे वो ठीक है आपकी जो भी बातें हम से कोई ले रहे थे हम लोगों को है? अभी डीएनए के माध्यम से ब्राह्मण की सारी महिलाएं हमारे भारत के मूल निवासियों से डीएनए मैच कर रहा है तो क्या आप भी मान लो अभी आप भी अपनी बेटियां देते रहे क्या? हम तो कुशवाहा है अपने अपने सामाजिक जो परिवेश है उसमें हम कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं सर। फिर वही आपने कुशवाहा कुशवाहा का मतलब मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है जब तक जिस चीज का आपके पास सारा जानकारी नहीं है आप मनाते हैं तो आपसे हमने पूछा पूछने में तो आपको इस चीज का मालूम होना चाहिए जानकारी देना चाहिए ऐसा क्यों? यानी साहब हम बिल्कुल सैंपल वाला हम ये बताए कि कुशवाहा मतलब कुश से अगर वाल्मीकि ने बच्चा बनाया है तो वाल्मीकि का बच्चा हुआ। पहले तो कुश से बच्चा नहीं बन सकता है आपके हिसाब से। अगर बन भी जाता है तो वाल्मीकि का बच्चा हुआ ना सीता का बच्चा है ना वो राम का बच्चा है। आप वो सब चीजों में अपन लोग उतना नहीं करते अपन नहीं मान रहे वो सब चीजें तो चलिए आ रही उसी परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं अपन तो। नहीं परंपरा फिर वही बात आ गई परंपरा में हमारे ये था कि मेरी बहन बेटी जब शादी होती थी तो ब्राह्मण घर में 3 दिन शुद्धिकरण होता था। आप करवाते हैं? अब नहीं हमारे नहीं करते हम लोग तो क्यों परंपरा थी
उसको क्यों छोड़ा गया? नहीं हमारे यहाँ नहीं थी परंपरा, हमारे यहाँ परंपरा पूरे भारत थी। अगर ब्राह्मण की व्यवस्था को आप मानते हैं तो ब्राह्मण की व्यवस्था में ये था, वो उनकी व्यवस्था जो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की व्यवस्था में रामायण है, ब्राह्मण की व्यवस्था में रामायण है, तुम्हारी व्यवस्था में नहीं है। ऐसा नहीं है सर। अरे नहीं क्यों? आर्यों का आक्रमण हुआ भारत में, ऋग्वेद में दिया है हम दक्षिण ध्रुव से आए हुए लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, हम विदेशी मूल के हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि हम बोलगा की पाली काला सागर रूस कैप्शन सागर से आए हुए लोग हैं। 21 मई 2001 को उठाए विश्वविद्यालय ने भी DNA से टेस्ट साबित कर दिया कि ये लोग यूरेशिया के रहने वाले हैं और इनकी महिलाओं का DNA और हमारी महिलाओं का DNA एक है। नहीं वो छोड़िए, मैं तो आपसे बोला अपना आप विषय बताइए, किस विषय में बात करना चाहिए बाकी। जी विषय ये सर है, कुशवाहा को भ्रमित करने वाले ऐसे पोस्ट क्यों डाले जा रहे हैं? और आपने छपवाया, छपवाने के बाद सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे। आप हमारा विषय हमारे बात सुनिए ना, आप जो चीज बोलना चाह रहे हैं, हम लोग देखिए सम्राट अशोक को भी यहाँ बिल्कुल उतना स्थान दिया जाता है फिर सर वही बात है। कोई भ्रमित नहीं करता यहाँ पे। मैं फिर बताऊं, सम्राट अशोक को अगर आप मानते हैं या जानते हैं कुछ भी है, सम्राट अशोक के बाद में जब बृहद्रथ को मारा गया, पुष्यमित्र शुंग ही राम है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। और वो कैसे प्रमाणित है कि जिस समय साकेत इसका नाम था, जब सम्राट अशोक काल था, उपराजधानी सम्राट अशोक की थी साकेत, और जिस समय पाटलिपुत्र में ये राजा थे बृहद्रथ, उस समय बृहद्रथ को मारने के बाद में सारी उनका जो सम्राट अशोक के परनाती का खजाना था, 100 सोने के सिक्के देकर के एक बौद्ध की गर्दन को मंगवाया कटवा के, और वो गिनती हो रही थी, इनाम मिल रहा था साकेत में। घाघरा नदी के किनारे मुंडियों के ढेर हो गए मौर्य समाज के, जब ढेर हो गए 3.5 किलोमीटर मौर्यों की मुंडियों के ढेर बन गए, तब वहां का खजाना जब खत्म हुआ तो पुष्यमित्र शुंग आपके साकेत में भाग के आया। पैसा होता है तब तक रजवाड़ा होता है, पैसा खत्म राजा खत्म, तो दौड़ भाग के आया आपके इसमें साकेत में। जब साकेत में आया वो देख करके खुश हुआ कि बहुत बहुत लाखों करोड़ों बौद्ध मौर्यों की मुंडियां कटी हुई लगी है, तो वो मुंडियों को घाघरा नदी में डलवा दिया, तो 3.5 किलोमीटर को घाघरा की वजह सरयुक्त हुई, यानी सर से भर गई, तब उसका नाम सरयू पड़ा। जब सम्राट अशोक काल को तुम मानते हो उस समय उसका नाम साकेत है, और जब साकेत है तो उसका नाम जब अयोध्या के, जब वहां कोई योद्धा नहीं था तब उसका नाम अयोध्या पड़ा, केवल 3.5 किलोमीटर को जिसको सरयू कहते हैं, केवल 3.5। पूरब या पश्चिम में नाम उसका घाघरा है। इतिहास जानो, अगर सम्राट अशोक को जानते हो मानते हो तो उनका इतिहास जानो। सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक के परनाती का यानी बृहद्रथ का ये उपराजधानी थी, उसका नाम अयोध्या पड़ा। अयोध्या ये आज के 134 या 154 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व तब बृहद्रथ की हत्या हुई थी, और तब उसके उस समय नाम उसका साकेत था। और आप मान चलिए अगर राम पैदा 70,000 साल पैदा हुए, सोने की खोज हमें 5,500 साल पहले हुई, यानी तो सोने की लंका कहाँ से आई, इन बहुत चीजों का अध्ययन करना। उस समय जब आज के 6,000 साल पहले लोग ऊन केवल पहनना और ऊन और काटन को सिर्फ कपड़े बनाना चालू किया था, और 8,000 साल पहले सब नंगे घूमते थे, 8,000 साल के बाद में 5,000 साल तक, 1,000 साल तक, 7,000 साल पर पुरानी बात है, उस समय आदमी चमड़े के परिधान पहनता था, तो ये 70,000 साल पहले इनके पास रेशम के कपड़े कहाँ है, और रेशम के कपड़े हुए हैं 3,500 साल पहले खोज हुई है। तो इन चीजों के इतिहास को जानिए सर, इस तरह से भ्रमित का काम, भ्रम का काम करेंगे तो समाज का क्या हाल कल हाल होगा। और एक चीज और बताएं सर, ब्राह्मण जिस समय, जो आदमी इन जानकारी को मिल जाती थी उस जमाने की बात है, उस समय ये कहता था धर्म का अपमान है, ये धर्म के विरोध बोल रहा है, जमीन धसातल में जाएगी, महामारी फैलेगी, दैवी प्रकोप बढ़ेंगे, अकाल मौत बनेंगे, तो तुम्हारे भाई इसको
उस ग्रुप में रहने नहीं देते थे। घर से निकालो, जात से निकालो, परिवार से निकालो, गांव से निकालो, इसका हुक्का पानी बंद करो, इसको अछूत बना, अछूता बना कर दो, यानी व्यवस्था से बाहर कर दो। जो ज्ञानी हो जाता था, जो ब्राह्मण की चाल को जान जाता था, उसको अछूत बना देते थे। उसकी कुएं पे छाया नहीं पड़नी चाहिए, उसकी तालाब में छाया नहीं पड़नी चाहिए, यानी लोग उससे कोई साक्षात्कार ना करे। जो ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता था, ब्राह्मण की चाल मालूम हो जाती थी, उसको ये दंड होता था, इसको गांव घर से निकाल के बाहर करो, नहीं जमीन रसातल में चली जाएगी। अरे कुछ तो ज्ञान लाओ भैया, अब तो पढ़ने का अधिकार तुम्हें मिल गया। चलिए देखेंगे इसके विषय में। जी हाँ, आज हम जो चीज बोल रहे हैं, आज रामराज आने वाला है, रामराज का मतलब ब्राह्मण विधाता विधान लिखेगा, छत्री पालन करवाए, बनिया हिसाब के तरफ सूद श्रम सेवा करेगा, उस समय हमें भी निकाल के बाहर किया जाएगा। और अछूत जिसे कहते हैं, सारी व्यवस्था से दूर, क्यों समाज में बोल नहीं सकते हो, बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, इस तरह से हमें निकाल के बाहर किया जाएगा। आप कुशवंशी तो बने रहेंगे, हम संघर्ष कर रहे हैं समाज को जगाने का, आप वही लुटिया ढूंढने काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कष्ट हो जाता सर। बिल्कुल लुटिया ढूंढने का काम नहीं कर, हम तो किसी बहाने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। ये बहाना नहीं सर, ये भ्रम में भ्रम करके लगा दिया, तब इकट्ठा कर रहे हो तो गलत बात सर। नहीं देखिए, हमारे यहाँ ये सब चीजें आई नहीं है, हमारे यहाँ आएंगी कैसे चीजें, देखिए आएंगी तब जब आपके अंदर तर्क बुद्धि आएगी। जब आपने मान लिया हनुमान जी सूरज खा गए, जब मान लिया सीता जी घरे से जमीन से पैदा हो गई, जब तुमने मान लिया कानो करके हवा से पैदा हो गए, तुमने मान लिया कुछ से तो ब्राह्मण के गुलाम है, ब्राह्मण ने जो बता दिया वैसा हो गया। नहीं नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण के ही द्वारा, देखिए पुष्य ये वाल्मीकि जो रामायण लिखी है, ये वाल्मीकि में रामायण लिखी है। वाल्मीकि का मतलब होता है चिरौरे के पिंड को, वाल्मीकि कहते हैं। और रत्नाकर ब्राह्मण ने लिखी, चार ब्राह्मण ने पूरे देश गुलाम कर दिया, तुम एक करने कह रहे हो, चार ब्राह्मण, रत्नाकर, सुमित भार्गव, पुष्यमित्र शुंग और ये क्या नाम करे पतंजलि, इन चार ब्राह्मणों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था। जिसने रत्नाकर ने ये आपकी ये रामायण पुस्तक का लिखी थी, और सुमित भार्गव ने मनुस्मृति यानी कानून की पुस्तक लिखी थी कि शूद्र को किस तरह रखना चाहिए। ब्राह्मण विधान लिखेगा, छत्री पालन करवाएगा, बनिया हिसाब शूद्र समझेगा करेगा। उनकी चाल को समझिए सर, अगर उन्हीं की चाल से आप समाज को इकट्ठे कर रहे तो क्या फायदा हुआ। चलिए विचार करेंगे इस बारे में। थैंक यू सर। बिल्कुल।